الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد الحمد لله على والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا عزيزا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء एक गल नू याद तो रखा विद हर एक ने मरना जरूर हर किस्म दी हमदो सना अल्लाह जल्ल शानहू दी जात अकदस वास्ते है दरूदो सलाम आकाए कायनात सैयदुल अव्वलीना वल आखिरीन इमाम आजम इमाम कायनात इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन सैयदना जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम दी जाते अक्दस व अतहर व आला और बाला वास्ते। मेरे तो कबल जमात दे जय्यद और अजीम आलमदीन जनाबे मौलाना सैयद सप्तैन शाह साहब नकवी हाफिज़ाहुल्लाह ताला मत्तानल्लाहु बेतुल हयाती तुहाडे सामने बड़ा ही फिक्र अंगेज खिताब फरमा चुके ने। दुआ करो अल्लाह ताला शाह साहब की जिंदगी अंदर इलम अंदर उम्र अंदर इज्जत अंदर अल्लाह बरकत फरमाए। इंसान की जिंदगी दे कई एक मराहल ने, विलादत है, बचपन है, लड़कपन है, जवानी है, बुढ़ापा है। जिंदगी दे इन तमाम मराहल दे विचों सब तो मुश्किल और सब तो तकलीफ दे मरहला बुढ़ापे दा मरहला है। हड्डियां कमजोर हो गई, बाल सफेद हो गए, चेहरे ते झरियां पै गई, जिंदगी दी शाम हो गई। बुढ़ापा इंसान दी जिंदगी दा वो स्टेशन है कि जदों बंदा मौत दी रेलगाड़ी ते सवार होने वास्ते स्टेशन ते अपना समान बन के पहुंच जाता है। दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज्जत बुढ़ापे दी उम्र दे अंदर अपना कुर्ब नसीब फरमा दे। माशरे दे अंदर ऐसे बेशुमार बूढ़े लोग ने कि जिन्ना दी इज्जत जिन्ना दी कदर नहीं। बुढ़ा बाबा है, घर दी टूटी चारपाई ते बैठा है, सलाम आखे कोई जवाब नहीं दिंदा, कोई उदा हाल पुछण लई तैयार नहीं, कोई उदे करीब बैठण लई तैयार नहीं। लेकिन चारपाई ते बैठा ये बुढ़ा बाप, ये बुढ़ा बाबा इहदी इज्जत दा मुकाम की है। इबने हब्बान की सही रवायत है, नबी पाक सलातो सलाम ने फरमाया अल बरकतु मा अकाबिरिकुम। अल्लाह सुबहानहु व तआला ने जिहड़ियां बरकतां ने वो तुहाडे बूढ़ियां दे नाल जोड़ छड़ियां। जिवें टाइम पीस दीआं तीन सुइयां होंदियां ने, एक सेकिंटा वाली, एक मिनटा वाली, एक घंटिया वाली। मिनटा वाली का जिक्र भी होंदा रहिंदा है ते घंटिया वाली का जिक्र भी होंदा रहिंदा है ते सेकिंटा वाली का कोई ना ही नहीं लैंदा। हालांकि वेखिया जाए तो सब तो ज्यादा मेहनत उस सेकिंटा वाली सुई करदी जिहड़ी 24 घंटे चली जाती है। उस सकिंटा वाली सुई है, मेहनत ज्यादा कर दी है लेकिन नाम कोई भी नहीं लेता। लेकिन पूरी घड़ी की जड़ी बरकत है वह उसकी हरकत नाल जुड़ी हुई है। एवें तेरे घर अंदर तेरी चारपाई ते बैठा बूढ़ा बाबा जिन्हों बुलाना तू पसंद नहीं करता, जिदे सलाम का जवाब देना तू पसंद नहीं करता, याद रख तेरे पूरे घर की बरकत उस बाबे की हरकत नाल जुड़ी हुई। मैं ऐसे कई घराने जानना कि जिन्हां घरां चो बाबे टुर गए बरकतां नाल ही लै गए। एक घर च चार बेटे सन, बाप टुर गया चार कंधा बन गईआं। इस वास्ते मेरे मोहतरम भाईओ, अगर मां बाप बूढ़े ने तो उन्हां दी इज्जत करो, और अगर खानदान अंदर को बूढ़ा बंदा है तो उसकी इज्जत करो, अगर गली विच को बूढ़ा बंदा रहिंदा है तो उसका एहतराम करो, अगर पिंड अंदर को बूढ़ा बंदा है उसकी इज्जत करो। इत्थे हालत है कि बुढ़िया बाबियां नूं टुरिया जांदे नूं को वट्टा मारदा है,
कोई उन्होंने सोटा चुक के लुको लेता है, कोई बाबे नूं किवें तंग करता है, कोई किवें तंग करता। ना भाई ना, इस्लाम की यह तालीम नहीं, इस्लाम की यह तरबियत नहीं, मेरे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम की यह तरबियत नहीं, मेरे नबी की तरबियत है। आप मजलिस अंदर तशरीफ फरमा, बूढ़ा बंदा आया, लोगों नूं रस्ता देने अंदर देर कर दी। नबी पाक ने फरमाया, मन लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैस मिन्ना, जिहड़ा छोटियां ते शफकत नहीं करता, बड़ियां दा अदब नहीं करता, उहदा मेरी उम्मत नाल ताल्लुक ही कोई नहीं। अल्लाह सानू मुआशरे दे इन्हां बूढ़ियां दे इहतराम करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला नूं इह सफेद वाल किड्डे पसंद ने, ये बुढ़ापी की उम्र की इबादत अल्लाह तानू कि पसंद है। आई अल्लाह की पाक किताब कुरान पाक ते गौर करना, तवज्जो करना। मेरी दुआ है मैं जो कुछ बयान करा, अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू उहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक दा नाम आए, दरूद मोहब्बत नल, प्यार नल, ज़ौक नल, शौक नल, अदब नल पढ़ना है। मेरा इमाम ते मेरा अकीदा है, जिमें गुलाब दा फुल खिलिया हुंदा है, उम्मती नबी पाक दा नाम सुन के इंजी खिल जांदा है। जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दरूद ओ सलाम आ गया। जब ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया, आसमां से दरूद ओ सलाम आ गया। होंठ खोले तो रहमत बरसने लगी, होंठ खोले तो रहमत बरसने लगी, जब वो बोले तो रब का कुरान आ गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो करना दरा, हज़रात तेजी वकार गौर करते जाना, मेरे घर तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने पाक ते नादर होने वाला अल्लाह दा कुरान बयान कर दे। फरमाया, काफ हा या ऐन साद, ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया, इज़ नादा रब्बहु निदा وحن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أقم بدعائك رب شقيا पैगंबर मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी,
सरा अपने उम्मतियां दे सामने साडे ज़करिया पैगंबर दा तज़करा करो ना इज़्ज़त दा रब्बा हो जदों हज़रत ज़करिया पैगंबर अल्लाह नूं पुकार रहे ने किस गल्लों पुकार रहे ने ते की पे मंगदे ने अल्लाह ताला दे कोलों बेटे दा सवाल ते करदे ने अल्लाह पाक कोलों औलाद पे मंगदे ने अल्लाह मैं तेरा पैगंबर ज़करिया दुआ करना वा मैनूं बेटा अता कर दे अल्लाह मेरा भी दिल करदा है मैं शाम नूं थकिया टुटिया खा रहा दरवाजा खोलां ते कोई दौड़ करके मेरे कलेजे नाल अप्पू अप्पू कह के लग जावे अल्लाह मेरा भी दिल करदा मैनूं बेटा अता फरमाओ हजरत ज़करिया पैगंबर मंगदे रहे मंगदे रहे मंगदे रहे इन्नी देर मंगदे रहे के आप बूढ़े हो गए अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ अकवाल बयान फरमाए एक कौल है कि आपकी उम्र 75 साल है एक कौल है कि आपकी उम्र 85 साल है लेकिन कुरान के उसलूब तो समझ पे आंदा है पाल जो सफेद हो गए दा मतलब बुढ़े हो गए सन हजरत ज़करिया पैगंबर बुढ़ापे की उम्र तक अल्लाह पाक को बेटा मंगते रहे अच्छा यार एक गल समझ नहीं आती भी हजरत ज़करिया पैगंबर बुढ़े होने तक वालिदा वाल दाड़ी दे वाल सिर दे वाल सफेद हो गए तो अल्लाह को मंगी गए अल्लाह को सवाल की गए तो बार बार रब न ही आखेगा या अल्लाह बेटा दे दे अल्लाह बेटा दे दे 5 साल मंगिया होएगा 10 साल मंगिया होएगा 20 साल मंगिया होएगा 50 साल मंगिया होएगा ते काम ते सौखा जिहा सी इक कुकड़ लै लैंदे कुकड़ ते जाके कबर ते कहिंदे लै ला कुकड़ दे दे पुत्तर की ख्याल है काम सौखा पर रौला ए वे भी ये सारे कुकड़ा वाले ने ये सारे उची बोलो ये सारे कुकड़ा वाले ने पुत्रा वाला कोई भी नहीं ये सारे लैपो के ने देपो के कोई भी नहीं ये सारे लैण वालिया सरकारा ने देण वाला अल्लाह है देण वाला कौन है उची बोलो देण वाला कौन है अल्लाह अकबर अल्लाह देण वाली जात अल्लाह दी जात है ये सब जेबियां बटोरन वाले ये सब बकरे छतरे खान वाले ये सब अपनियां तिजोरियां भरन वाले ये सब मुरीदा दियां छिल्लां फुटन वाले अल्लाह अकबर ते कुछ नहीं सकदे ये देण वाले कुछ नहीं देण वाली जात मेरे अल्लाह दी जात दे ताई ते मैं मुहब्बत नाल किया करना ओ मेरे अल्लाह जियां नहीं होर मेरे अल्लाह जियां नहीं होर जे तू बन जाए मंगता उसदा जे तू बन जाए मंगता उसदा आवे न तैनू थोड़ मेरे अल्लाह जियां नहीं होर उचिया खुशबहान अल्लाह शाह साहब नाराज नहीं होंगे मैं मना लाँगा उची आखो सुभान अल्लाह टेंशन नहीं लैनी मैं आपे उन्होंने गल कर अल्लाह 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 मेरे अल्लाह जियां नहीं होर मेरे अल्लाह जियां नहीं होर और रिज़क तू ही होंदा खामे बंदियां गीत किसे ते तू गावे बंदिया गीत किसे ते तू गावे बंदिया सब दाता तब अरशायू ते सब दाता तब ये लाहौर केड़े पास है लाहौर केड़े पास इतो लाहौर केड़े पास है इधर सीधा सीधा ही फिर ठीक अल्लाह अल्लाह रिज़्क तो योंदा खामे बंदिया गीत किसे ते तू गावे बंदिया गीत किसे ते तू गावे बंदिया सब दाता तब अरशायू ते सब दाता तब अरशायू ते तू लभदा फिरे लाहौर मेरे अल्लाह जिया नहीं होर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह
तवज्जो करना हजरत तेजी वकार सारे कुकड़ा आड़े पुत्रा वाला कोई नहीं हजरत जकरिया पैगंबर रब कोल मंगदे रहे क्योंकि रब तो इलावा को पुत्र दे सकदा नहीं दे सकदा। एक दिन हजरत जकरिया पैगंबर ने अनोखा अमदाद अपनाया कदी कदी अतावा रब न पसंद आ जा ने सौदो तकवा से भी होती दुआएं मुस्तजाब वक्त है कुछ खास खास है अदाएं खास खास है कदी अल्लाह नू अदावा पसंद लग दिया ने। आज हजरत जकरिया पैगंबर एक अदा बना लगे ने वो अदा रब न पसंद आ गई अदा की गए हजरत जकरिया पैगंबर मेहराब अंदर बैठ गए ते अल्लाह को दुआ कर लगे ते किवें कर देने निदान खफिया 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 हौली मंगते ने हौली हौली मंगते ने हौली हौली दुआ करते ने मुफस्सरीन फरमाते ने हौली हौली दुआ करन दी बजाए वे हजरत जकरिया पैगंबर हौली हौली दुआ दा करते ने कोई सुन लवे ते ना कह दे वे बुढ़े बारे बाबे नू केड़ा पुत्र दा जोश आ गया है केड़ा शौक पैदा हो गया पुत्र दा ता हजरत जकरिया पैगंबर हौली हौली मंगते ने हौली हौली पुकारते ने आसमान तो बात आई ऐ मेरे जकरिया पैगंबर हौली पुकार भवे होरौली पुकार भवे होरौली पुकार ऐ मेरे जकरिया पैगंबर हौली होर हौली होर कौली हत्ता के दिले दिल बिच पुकारना तेरा कम अरशे फरीद बह के सुन लेना मैं रब दे कायनात दा कम है अल्लाह ला 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 हौली बुला सुनना साडा कम ने वो सुनता है सबकी दुआ कर तो देखो तुम अपने नसीबा जमा कर तो देखो वो सुनता है सबकी दुआ कर तो देखो तुम अपने नसीबा जमा कर तो देखो स्याही स्याही गुनाहों की धुल जाए दिल से तुम आंखों से आंसू बहा कर तो देखो अल्लाहु अकबर अल्लाह फरमाया निदा अन खफिया हौली हौली पुकार देने एक अंदाज ते दूसरा की हजरत जकरिया पैगंबर अपने सिर दे वाला नु हाथ अंदर पकड़ के फरमाते ने वश्ता अलर रासु शैबा अल्लाह हुण ते बेटा दे दे हुण ते मेरे वाल भी सफेद हो गए ने वाहन अला आदम मिन्नी अपने गोडिया ते हाथ रख के फरमाते ने हुण ते बेटा दे दे हुण ते हड्डियां भी कमजोर हो गईयां ने हुण ते हत्थां दा कशकौल बनाना वा ते कशकौल भी कंबन लग जांदा है अल्लाह हुण ते बेटा दा फरमाओ अल्लाह हुण ते खैर पा दे अल्लाह हुण ते पुत्र दे दे ते रब दे कायनात नूं जकरिया पैगंबर दा अंदाज पसंद आया ऐ बूढ़िया बूढ़िया ते बुढ़ापियां दियां गल्लां करनियां पसंद आईयां सफेद बालां दा हत्थ अंदर पकड़ के गल करना पसंद आया रब्बे कायनात ने की फरमाया दूसरे मुकाम ते फरमाया फनाता तुहुल मलाइका तू वहुवा कायमुन युसली फिल मेहराब अन्नल्लाह युबशिरुका बियहिया ऐ मेरे जकरिया पैगंबर मंगदियां बड़ा चिकर हो गया मंगदियां बड़ी देर हो गई हाथ फैलांदियां बड़े साल गुजर गए ने पर अज अंदाज बड़ा सोहना लगा अज अदावां बड़ियां पसंद आईयां ने अज तुहाडा स्टाइल मैनूं पसंद आया ऐ सफेद बालां नूं हाथ अंदर पकड़ के पुकारना ऐ गोडियां ते हाथ रख के अपने बुढ़ापे की गल करना मैं रब नूं इतना पसंद लगा जा मेरे जकरिया पैगंबर मैं तेनू बेटा भी दिता बेटे का ना यहिया भी मैं आप रखिया है ते तेरे बेटे दे सिर ते नबूवत दा ताज भी रख छड़िया है अल्लाह अकबर अल्लाह बेटा भी दिता
बेटे दा नाम भी किन रखिया? बोलो किन रखिया? अल्लाह ने रखिया, अल्लाह ने रखिया। ते ए ना पहले किसे दा कोई नहीं सी, हजरत यहया पैगंबर तो पहले ना किसे दा कोई नहीं। फरमाया ए ना आज पे नादल करने आओ, इस ना तो चिट्टा आज पे पटने आओ, ए ना आज ही पे दुनिया ते खलाने आओ। ते जा मेरे जकरिया पैगंबर, मैं तेरे बेटे नु नबी भी बना दिता। हजरत ते सी वकार पता लगा, अल्लाह ताला नू बुढ़ियां बंदियां दा हाथ फैलाना एडा चंगा लगदा है। अल्लाह ताला नू सफेद दाड़ियां बालियां दा मंगना इतना चंगा लगदा है। रब्बे कायनात नू बुढ़ियां बुढ़ियां दा अल्लाह दे हां हुजूर दुआ करना इतना पसंद लगदा है। नहीं समझ आई एक और मुकाम सुनी अल्लाह दे कुरान दा। खालके कायनात फरमांदे ने हजरत मूसा अलैहि सलातु वसलाम अल्लाह दे पर गुज़ीदा पैगंबर निकले मसर विचों ते निकलदियां निकलदियां मदीना अंदर पहुंचे। मदीना दे कुएं ते लोग अपनियां बकरियां नूं पानी पै पिलांदे ने। इक दरख्त दे नीचे हजरत ज़करिया पैगंबर बैठ गए और सामने मंदिर सारा नजर आंदा पिया है। मंदिर की है तो यंग ते जवान लड़कियां अपनियां बकरियां दा रेवड़ लै करके अलग थलग खड़ियां। लोग अपनियां बकरियां नूं पानी पिना अंदर मशगूल ने। हजरत इमाम इब्ने कसीर फरमाते ने बकरियां इतनियां प्यासियां कि जिस जगह ते पानी गिरिया ना उस गिली जमीन ते अपनियां जुबानां पईयां लगांदियां ने बकरियां, इतनियां प्यासियां बकरियां। हजरत मूसा पैगंबर कोल अमदाद वेखिया ना गया, कोल चले गए और जाके फरमाते ने मा खतबुकुमा। पजा दसो गल की है, परेशानी की है, मसला की है? अब्बा जी नूं नाल लैके आ जांदियां या अपने वीर नूं खला दे दियां? बकरियां चराण आ गईयां जे कलियां कलियां। अगों ना जवाब अंदर की आखिया है, अल्लाह अल्लाह वाला तर्जमा करदा गुस्सा आखिया तुसीं कलियां क्यों माल चरावण आईयां, परदे विचों रो कर बोलियां नेक बाप दियां जाइयां। वीर अस बाप आ साडा बुढ़ा होया अते जुस्से विच कमजोरी, असी दोवें भैणा बकरियां चारिए अते वीर न साडा कोई। अल्लाहु अकबर अल्लाह जवाना असलंदर गल वे के बाप साडा बुढ़ा बड़ा है, बाप साडा कमजोर बड़ा है, सही फुलमर हो चुकी है। ते वीर अल्लाह ने सानू दिता ही कोई नहीं, भरा साडे कोल है ही कोई नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावां। अल्लाह पाक ने खसूसन बुढ़ापे का जिक्र फरमाया इस मुकाम ते। अल्लाह ते दी वकारे कुरान दियां ता दसदियां ने अल्लाह दे हां बूढ़े बंदे दा मुकाम कितना है, अल्लाह दे हां बूढ़े बंदे दी इज्जत कितनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका फरमाते ने सुनो कायनात वालियो दुनिया वालियो, जदों को बूढ़ा बंदा अल्लाह दी इबादत करदियां करदियां 70 साल दा हो जांदा है ते अल्लाह पाक ओहदे नाल प्यार करन लग जांदे ने, अल्लाह ओहदे नाल मुहब्बत करन लग जांदे ने, अल्लाह पाक ओहदे नाल प्यार कर लग जांदे ने। ओ तेरे पिंड दियां गलियां दे अंदर फजर दे वक्त नेरे टाइम बुड्ढा बाबा नेरे टाइम टुरिया जांदा नमाज पढ़न वास्ते, ये टुरदा तेरे पिंड दियां गलियां दे विच अरश वाला रब दे नाल मुहब्बत पिया करदा है, अल्लाह इस बाबे नाल प्यार पिया करदा है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमांदे ने जदों को बूढ़ा बंदा हालत इस्लाम अंदर 80 साल दा हो जांदा है अल्लाह फिर ओहदा हया करन लग जांदे ने, अल्लाह ओहदा हया करन लग जांदे ने। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और रब हया करदा ही, तू अपने बुढ़े बाप दा हया क्यों नहीं करदा? रब मुहब्बत करदा ही, तू अपने बाप दा अदब क्यों नहीं करदा? तू अपने बाप दा एहतराम क्यों नहीं करदा? साडा मुआशरा पता नहीं किधर
जांदा पिया है, अखलाकियात दा बेड़ा गर्क हुंदा जा रहा है। नेट ती अल्लाह जानदा है फनी बाबियां ते नाम ते बकायदा क्लिप्स मौजूद ने, किते किसे बाबे नूं किवें तंग कीता गया, उहदी वीडियो बना ली गई, किसे किसे बाबे नाल किवें हरकत कीती गई उहदी वीडियो बना ली गई, किवें किसे बाबे नूं किवें जलील कीता गया उहदी वीडियो बना ली गई। इह बकायदा वीडियोज़ नेट ते मौजूद ने, बजुर्गां नूं तंग करन दी वीडियो, बाबियां नूं जलील करन दी वीडियो, बुढ़िया बाबियां नूं परेशान करन दी वीडियो। ये मुआशरा किड़े पासे जांदा पिया है, असी किधर जा रहे हैं? असी जिस दीन अंदर हां, वह दीन सानू बुढ़िया दादब सिखांदा है, वो सानू बाबियां दा एहतराम सिखांदा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना वकार। आओ मैं तुम अबू दाऊद शरीफ की रिवायत सुनावा। अल्लाह जानता है जदों मैं हदीस पढ़ी है ना, तो मैं हदीस की किताब रख के किन्नी देर बैठ के उस हदीस से गौर करता रहा, सोचता रहा यार इतना मुकाम है माशरे के अंदर बुढ़िया का, अल्लाह दे हाँ इतना इतराम है बुढ़िया का। सुनन अबी दाऊद की रिवायत, नबी पाक सलाम ने फरमाया, आका फरमाते ने इन्ना मिनी जलाल लाहे ताला, इन्ना मिनी जलाल इल्लाहे ताला, इकरामुजी शैबत मुस्लिम। मेरे महबूब ने फरमाया, फरमाया मुसलाम मुसलमान मोमन नमाजी परहेजगार पूरा बंदा ओदी इज्जत करना, ओदी इज्जत अल्लाह दी इज्जत विचों है, ओदी इज्जत अल्लाह दी इज्जत विचों है। कितना दबे बुढ़िया का, कितना दबे दरामे बुढ़िया का। अल्लाह अकबर, अल्लाह मैं कुर्बान जावा। एक और हदीस से गौर करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहा रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर ने मना फरमाया कि दे तो नतफु शैबे। अल्लाह के पैगंबर ने यह जेडे बुढ़ापे की वजह तो सफेद बाल आ जाते हैं, इन्हों पुटन तो मना फरमाया, इन्हों खत्म करन तो मना फरमाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और बाबा जी जे सफेद बाल दाड़ी चा जान तो उन्होंने पटना बोलो को थोड़ा जा बाबे नाल भी थोड़ी जी गल कर, बाबे नाराज तो नहीं होंगे क्यों भाई? अब माड़ा जा सुहागा फेर लव बाबिया लगे है। फरमाया नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नतफु शैब। अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने जेड़े बाल बुढ़ापे की वजह तो सफेद आ जाण पटन तो मना फरमाया। तो इत्थे लै के ना शीशा, एक हाथ शीशा तो दूजे हाथ च फड़ के मोजना, इंज चिट्टे वाल लभदा जिवें पुलिस वाले चोर लभदे ने, हैं लभ जाए फिर इंज फड़दा ही फिर पटदा जनाब वाल, ते वाल भी कहने ला फिर तेरी साड़ी दौड़ लग गई वेख ना तू किन्ने क पटना। एक पटदा दो होंगे ने, दो पढ़ता तीन होंगे ने, तीन पढ़ता वधी जाते ने वधिया। कहिंदा अच्छा साडे नाल दौड़ा कर लैना तुहाडा इलाज, मैनूं सुबह सरगोधे जा लैण। फिर सुबह सरगोधे जांदा ते सरगोधों लै के आंदा काला कोला, काला कोला, काला कोला समझ, काला कोला लिया के फिर जनाब कप लैंदा गंदा किसी पुराने जमाने का कप, तो फिर जनाब बुरश लैंदा वो जिड्डा जिन्ना पुराना कप हुंदा ना उहदे तो डबल पुराना बुरश हुंदा है, जिहदे नाल कोई जनाब छे सत्त महीने सुथना जनाले पा जांदे ने। वह फिर जनाब ला के जूं लगदा मतंजन बनादा तैयार करदा बेहतरीन है, तो फिर शीशा इंज रख के ना सामने इत, तो फिर जनाब शीशे के अगे बह के इंज करके, इंज करके सारे वाल फिर जनाब काले कर लैंदा, तो काले करके जनाब फिर हूँ किसी पासों सिर दाड़ी है बेहतरीन नौजवान तुरलत नौजवान है, कोई बुढ़ापे का सारी बेहतरीन जवान। बाबा जी एक गल याद रख लो, लख तुसी ऐ कर लो काले कोले जवान जवान ही हुंदा है, बुढ़ा बुढ़ा ही हुंदा है। बस किन्ने क वाल छपाने हुण, वाल सारे कर लै लगदा ही नहीं बाबा, महसूस नहीं हुंदा हुण जवाना च बैठा क्या वा। तो जदों लगा ना उठन, बैठा सी जदों लखा उठन तो इत्थे हाथ रख के करदा नाल ही पता लग गया है, नाल ही पता लग गया भी जनाब विच बाबा उत्ते के सिंह जवाना की चढ़ाई हुई है। अल्लाह 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 बाबा जी इंज कम नहीं बनते, इंज कोई फायदा नहीं, बाड़ रंगण का कोई फायदा नहीं।
अल्लाह 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 जे वाल चिट्टे हो गया ते पटन दी जरूरत जे रंगना ही है मेहंदी ला लो मेहंदी लगा लो काले करने जायद कोई नहीं ते नाले बाबा जी गल सुनो वो जदो चिट्टे वाल आन लग जाते ने मौत दे सुने आन लग जाते ने मौत दी एस एम एस आन लग जाते ने वो काले वाल जब के होए वो काले वाल जब के होए अति मौत सुने बरदा प्यारे ते क्यों दे दे खेटी लाया अपना कुर्ब नसीब फरमा दे जिथे माशरे दे जवान बिगड़े जाते ना उथे अल्लाह जानदा बाबे भी बिगड़े जाते ने कोई बाबे टिकटॉक बनाई जाते खरे बाबे टिकटॉक चो की कढ़न गए कबर च लत्तां ते टिकटॉक पे बना देने बाबा तू मर परा तेरा जनादा पढ़ाइए और रौला मुके तू केड़े पंगियां नूं पिया ए जवाना की खट लिया टिकटॉक विचो जो तू बुढ़ी उम्रे टिकटॉक बनाण लगा अल्लाह इंज दे बाबियां नूं हदायत ता फरमा या अल्लाह टिकटॉकी बाबियां नूं हदायत ता फरमा दे अल्लाह ना बाबियो ना टिकटॉक बनाम दा टाइम नहीं नमाज़ां दा टाइम ए रब अगे रोण दा टाइम ए नमाज़ां पढ़न दा टाइम है अल्लाह पाक दे हां रोण दा वक्त आ गया है अल्लाहु अकबर अल्लाह तवज्जो करना हजरत अदी बिन हातम ताई जदों कलमा पढ़न दी गर्द नाल मेरे पैगंबर दे कोल आए ना फरमांदे ने मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आया कलमा पढ़न दी गर्द नाल अल्लाह दे महबूब पैगंबर मेरे नाल गुफ्तगू फरमांदे रहे फिर आका फरमांदे ने आदी मैं तेनू अपने घर ही लै जावां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि सलाम नाल मैं तुर पिया अल्लाह दे नबी भी जा रहे ने मैं भी जा रहा वा ते चलदियां चलदियां एक बूढ़ी जी औरत ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु बुलाया ते हजरत जी कहंदे ने नबी पाक फरमांदे ने यार तू रुक जाओ मैं मां जी दी गल सुनिया वा मैं बुढ़ी अम्मी दी गल सुनिया वा फरमांदे ने मेरे दिल विच बड़ी गल पैदा हुई यार दो जहाना दा सरदार नबी है ते वेखो ना बूढ़ी जी औरत दी गल सुनन वास्ते जांदा इतने माड़ी जी कुर्सी लग जाती है ना तो हाथ सलाम भी तिना उंगलों लैन लग पैंदा है तो सलाम भी चज न लैना पसंद नहीं करता तो बाबिया तो चंगा ही नहीं समझदा रही खूंदी कसर करोने ने कढ़ दी है हूँ तो लोग बाबिया तो वैसे ही पर जाते हैं हजरत जी वकार मेरे नबी पाक सलातो सलाम ने की किया है अल्लाह के महबूब पैगंबर ने खड़ा कर दे फिर मैं खड़े हो जाओ मैं तेरा मां जी की गल सुना वा अल्लाह दे महबूब पैगंबर बाजार दे इक पासे खड़ो गए मां जी गल्लां कीती जा रही है ते मेरे नबी पाक ओदी गुफ्तगू सुनदे जा रहे ने ते हजरत जी कहंदे ने मैं दूरों खलो के नबी पाक दी आजजी पिया वेखना वा मैं दूरों खलो के अल्लाह दे पैगंबर दीन के सारी पिया वेखना वा ओ यार ए तो बादशाह है ओ लोग ताज पा के बादशाह बनदे ने लोग चुबे कुबे पा के बादशाह बनते ने इते बेताज बादशाह इते बेतख्त बादशाह लोगों नू बादशाह बन वास्ते सहारा ताजा दा ते तख्तां दा लेना पैंदा है पर ए मुहम्मद रसूलुल्लाह ए इंज दा बादशाह है कि नू तख्त ते बादशाह दी जनाब इनू ताजां दी लोड़ कोई नहीं कितनी देर तक अल्लाह दे नबी उस वीड़ी बूढ़ी औरत दे कोल खड़े रहे कितनी देर तक आप ओहदे गुफ्तगू सुनते रहे हद तक जो गल मुकम्मल हो गई फरमाया मां जी मैं जा सकना जी जा सकते हो फरमाते ने अल्लाह दे नबी मेरे करीब आए ते मैं जी करके अपनी तली नू अगे कीता सोणिया बाकी गल्लां बाप अंदर हुण तली ते तली रख के कलमा पढ़ा लो मुरीद बना लो कलमा पढ़ा लो मुरीद बना लो ऐ जे तली इस्लाम दे
जे तरीका इस्लाम दा, इस्लाम हमें बूढ़ों की इज्जत सिखाता है, इस्लाम हमें बूढ़ों का अदब सिखाता है, इस्लाम हमें बूढ़ों की इज्जत करना सिखाता है। अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत किया करो, अपने बूढ़े माँ बाप का एहतराम किया करो। अल्लाह दे फजल नाल जो कदर बूढ़िया दी इस्लाम अंदर है वो दुनिया के किसी होर मसलक मनहज अंदर कोई नहीं। आज से कुछ साल पहले नॉर्वे के वजीर आदम सदर ने ये पैगाम दिया था, बयान दिया था कि हमारे मुल्क में जो बूढ़ा बीमार होकर हॉस्पिटल में आ जाए उस पर दवाई दारू के पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे माशरे के फजूल तरीन लोग हैं, इन्हें बड़ा रहने दो, इन्हें मर जाने दो, हमारे माशरे में बूढ़ों की कोई अहमियत नहीं है। और ले जा चौकी अपना मजहब दी, अपना मसलक दी, अपना दीन। ऐ जे गोरे आ जे गोरे, जिन्ना गोरे हर वेले सानू खाब ही आते रहते हैं, सुते पिया भी असं इंग्लैंड ही वेखते रहने, घड़ी कितों आई है जी, इंग्लैंड आई है, तो बूट कितों आए ने, यह भी इंग्लैंड आए ने, कोट कितों आया, यह भी इंग्लैंड आया। और जिन्हों के तुम खाब सारी सारी रात ही सौ के वेखते हो, आ हाल च उन्होंने, वह पूड़िया की इज्जत नहीं करते। और छोड़ो ये गोरे कहते ने, ये गंद के बोरे ने, उत्तों गोरे ने, विचों काले ने, उत्तों इंसान ने, विचों शैतान ने। मुसलमान जिन्हें ने मौना दी कदर करना, ते जिहड़े मुसलमान नहीं, मेरे नबी दे गुलाम नहीं, मौना वाल थुकना भी पसंद नहीं करना। असीं मिंट बाद गोरे गोरे, असीं हर वेले सानूं खा भी गोरियां दे हुंदे ने, उह ते चगड़ा ने। उन्हां दी हालत ते वे के मां बाप बुढ़े हो जाण ते ओह ढोम च सुट आउंदे ने, ते नाल आपदे कुत्ते ते कुत्तियां नूं सवांदे ने। उन्हां दी हालत ते वे के कुत्ते ते कुत्तियां दी ओह कदर करदे ने, ते बुढ़े मां बाप की कोई कदर नहीं उन्हां दी। हुण साडे मुल्क अंदर भी सुनिया ओल्ड होम की बीमारी चल पई है। अल्लाह हदायत दे देवे। अल्लाह खो अकबर, अल्लाह तवज्जो करना हज़रात, तेजी वकार। इस्लाम ओल्ड होम दी तालीम नहीं दिंदा। इस्लाम कहिंदा बुढ़िया दी इज्जत करिया कर, अपने बुढ़े मां बाप दा कदर करिया कर। सुभान अल्लाह, अल्लाह खो अकबर, अल्लाह तवज्जो करना। नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम दे सहाबी सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो 22 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान, मर्दरा गल सुनिया जे तवज्जो दे नाल। अल्लाह खो अकबर, अल्लाह तवज्जो करना। मैं वैसे कहना हुन्ना, ये जेड़े साडे बरेलवी भाई ने, ये वैसे बाबियां दा बड़ा अदब करदे है कि नहीं, बड़ी इज्जत करदे ने। अल्लाह जानदा ये जदों होवे ना मौलवी 30 साल का उदो जनाब अलामा, तो जो 40 साल का तो फिर जनाब शाह, तो जो 50 साल का फिर सैयद, तो जो 60 साल का फिर किबला, तो जो 70 साल का फिर जनाब गद्दी या कोई होर वड्डा ना देन, तो जो फौत हो जाए तो डायरैक्ट ही मुश्किल कुशा आ जा, सीधा ही आ जा दरबार है। इन्नी भी इज्जत नहीं करनी, इन्ना भी अदब नहीं करना। अदब करना है, अदब अपनी जगह पर, बेअकीदा अपनी जगह। तो जेडे साडे बेली ने, हुण थोड़ी जी गल अपनी भी कर लवेंगे ना, गुस्सा तो नहीं ना करोगे, नहीं करोगे अज, तुसी नहीं कर, तुसी नहीं कर दे, शाह साहब बैठे ने आज, इन शाह बैठे ने, अच्छा माशाल्लाह, मैं अज इन्हां दे बैठिया सारा कुछ कर लवा जो हुंदा है। अल्लाह ते तुसी माशाल्लाह, तुहाडी क्या बात है भाबीओ, तुहाडे तो सदके ही जाइए। वह जो होवे ना खतीब जनाब 30 साल का, उदो हज़रत भी, अलामा भी, कारी भी, मुफ्ती भी, सैयद भी, शाह भी सारा, तो जो हो जाए 40 साल का फिर नालों अलामा ला छड़ दें, तो जो हो जाए 50 साल का फिर नालों सैयद भी ला छड़ दें, तो जो हो जाए 60 साल का तो फिर वो नालों महबूबे अवाम भी ला छड़ दें, तो जो जनाब 70 साल का फिर कारी शारी सारा को ला के फिर कला कारी फीज रह जाता है। हैं कारी फीज ते मौलवी मंजूर ते नवाज चीमा, फिर कोई अलामा नहीं, फिर कोई कारी नहीं है। ये किवें दा अदब है यार, ये किवें दा एहतराम है, बड़ी माजरत नाल कहांगा, ये किवें दा अदब कर दे हो कि जिमें जिमें आलमे दीन तुहाडी खिदमत, दीन की खिदमत करदिया, तुहाडे बच्चियां नूं मसलक सिखांदिया सिखांदिया बुढ़ा हो जांदा है,
ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜਨਾਬ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈ ਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤੂਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਟਾਫੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਰੁਮਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਟਾਫੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਸੀਤੋਂ ਤਾਂ ਕੱਢੋ ਜੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਟਾਫੀਆਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਗੋਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਜਲਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੰਬਰ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸੱਲੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਵਕਾਰ ਕਿਆ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਗਲਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਖਤੀਬ ਏ, ਗਲਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤੀਬ ਨਹੀਂ। ਤਕਰੀਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਏ, ਤਕਰੀਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਵਕਾਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਉਲਮਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਉਲਮਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਉਲਮਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਐਸੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਐਸੇ ਵਟਸਐਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਆਲਮ ਕਿਸੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਗਾਲੀਆਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਬਾਨ ਤਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੰਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਗੈਰ ਮਸਲਕ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਲਮਾ ਦੀ ਆ ਇੱਜ਼ਤ। ਮੌਲਵੀ ਬੋਲੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਜਲਸੇ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੂ ਕਰਨਾ ਖਜ਼ਰਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਵਕਾਰ, ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਦਰਾ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਉਲਮਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਧੁੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਉਲਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਲਮਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਡੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, 13-13 ਘੰਟੇ ਸਫ਼ਰਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, 14-14 ਘੰਟੇ ਸਫ਼ਰਾਂ 'ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਲਮਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਲੱਭ ਗਏ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਬਹੁਤੇ ਲੱਭ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ? ਦੀਨ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾੜੀ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹਜੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੂ ਕਰਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਉਲਮਾ ਦੀ, ਕੰਮ ਅਸ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਨ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੋ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚਾਰ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਉਛਾਲਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਕਦਰ ਸਿੱਖੋ, ਇਤਰਾਮ ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਆਲਿਮ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬੂੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ ਉਲਮਾ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਭਾਈ ਡੱਕ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਰ ਦੇ ਉਮਰਾਨ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूर एक बीबी ने आवाज मारी ते बीबी आई किवें वे पूरी ज़ईफ औरत है उदे हाथ विच सोटा फड़िया है ते जनाब बेटी पूरी है जिवें बंदा रुकू दी हालत अंदर जांदा है इस हाल अंदर हुई हुई पूरी है उन्हें खलो करके हजरत उमर नु बुलाया ते की आखिया या उमर उमर इधर आओ खलीफतुल मुस्लिमीन नहीं आखिया अमीरुल मोमिनीन नहीं आखिया या उमर उमर इधर आओ सैयद हज़रत उमर सारिया जंगी मशकां छड़ के सारे मुजाहिदीन दियां गल्लां छड़ के मार कयको बादल दियां मीटिंगां छड़ के मेरा उमर छड़प्पा मार कुसमान दे कोड़ा के खड़ा हो गया है ते मैं पढ़िया है तारीख दी किताब अंदर हजरत उमर भी उंजी खलो गए ने जिवें ओह बीबी खड़ी होई है उवें ही हजरत उमर झुक गए जिवें बीबी चुकी हुई है ना ते जनाब दी उम्र किन्नी देर तक उस बीबी दियां गल्लां सुनदे रहे गल्लां करदी जा रही है ते मेरी उम्र सवाए नाम तो कुछ नहीं कहिंदे नाम 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 जी मां जी तुसी सच फरमाया जी मां जी तुसी सच फरमाया जी मां जी तुसी सच फरमाया इस तो इलावा मेरी उम्र ने कुछ नहीं बोलिया किन्नी देर तक कुछ ना भी उम्र नाल गल्लां करदी रही हत्ता के फौजां दे अंदर चिमकुइयां होण लग पईयां यार 22 लख मुरब्बा मील दा हुक्मरान है इधर सवाल किया गया उमर जी एक बूढ़ी जी औरत को इन्नी देर क्यों खड़े जे फरमाया चुप चुप गल ना कर जे मैं क्यों ना इस बूढ़ी दी गल सुनाए ते ओ बूढ़ी है जड़ी जमीन ते गल कर दिए रब दियां गल्लां दा कुरान बना छड़दा है बद समय अल्लाह कौल लती तुजा दिलु कफी सुजहा वलो को ए खाला जे खाला जड़ी मेरे पैगंबर दे हुजरा पाक दे बुए ते के बह के गल कर दिए ते रब दियां गल्लां कुरान बना छड़दा है वो तुसी कहंदे इन्नी देर ला दित्ती मैनू अल्लाह दी कसमे 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 अगर सारा दिन औरत मैनू अपने कोल खड़ा रखदी मैं उमर दे सामने अपना कदी कदम ना पटदा उमर दी जुरत की इस औरत दे सामने कदम पट जाए इहदा तां रब अदब कर इहदा तां रब हया इह जे इहतराम पूड़ियां दा ਇਹ ਜੇ ਕਦਰ ਪੂੜਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜੇ ਇਤਰਾਮ ਪੂੜਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਦੇ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ ਪੂੜੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਹੋਮਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨੇਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਨੇਕੀਆਂ ਖੱਟ ਸਕਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਬ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਰੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਦੁਆ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਵਾ ਆਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ